नमस्कार फ्रेंड, आज बात करेंगे अर्टिगा के बारे में, जो कि 2021 मॉडल गाड़ी है और BXI मॉडल गाड़ी है। और इसके बारे में आज हम रिव्यू, फुल रिव्यू लेंगे, इंजन से लेकर इसका पूरा मैं डिटेल आपको बताऊंगा। उससे पहले इसके ऑनर से मिलते हैं और बात करते हैं इस गाड़ी को क्यों उन्होंने लिया और पसंद क्यों किया। इनके पास काफी गाड़ी है, आइए सर से बात करते हैं। और हमारे सर का नाम है संदीप मिश्रा। और भैया कैसे हैं? अच्छा। और आपका नाम सर? संदीप मिश्रा। संदीप मिश्रा, बहुत बढ़िया, मिलकर आपसे बहुत अच्छा लगा हमको। तो सर ये बताइए, आप गाड़ी अर्टिगा क्यों लिए? इसका डिमांड ज़्यादा था शहरों में, ज़्यादा तक लोग अर्टिगा का मांग रहे हैं, अर्टिगा का डिमांड ज़्यादा है। सर का कहना है कि ये मारुति सुजुकी की एक ऐसी ये गाड़ी है जो कि हर एक अर्टिगा के बहुत ज़्यादा लवर है। और गाड़ी को लेने के लिए आपको 5 से 6 महीने की बुकिंग पे आपको गाड़ी मिलेगी। ये नहीं कि आप तुरंत गाड़ी ले सकते हैं, अगर जुगाड़ हो तो उसकी बात अलग है। और सर ये बताइए कि आपका कोई गाड़ी फोर टेबल चलाते हैं क्या? संदीप टूर एंड ट्रेवल्स नाम से मेरी बहुत खुद है जी गाड़ी। ऑफिस सर माध्यम से मैं अश्रम चलाए पे मेरा एजेंसी है और यहीं से सभी गाड़ियों का बुकिंग करते हैं। और सर ये बताइए कि कहीं भी जाना हो या इंडिया में, आप कहीं का बुकिंग लेते हैं? ऑल इंडिया कहीं भी, ऑल इंडिया कहीं भी, नेपाल भी, नेपाल के लिए। तो सर ये बताइए कुछ उसमें डिस्काउंट होता है कि नहीं आपकी बुकिंग का? मान लीजिए अगर नेपाल जाना रहे तो कितना चार्ज होगा आपका? सर इसमें हमारे किलोमीटर पर जाती है, नेपाल में क्या होता है पैकेज पर जाती है गाड़ी। और कोई आपका पैकेज है कि जिसका अमाउंट कुछ आपको पता है? इस समय इसका पैकेज है 20,000 रुपये नेपाल का, 5 दिन का टूर है और आपका 20,000 रुपये। और उसमें पैकेज में क्या पेट्रोल भी मिले जाएंगे उनको डालाना पड़ेगा क्या आपके पैकेज में? पेट्रोल भी सारा कुछ मेरी कंपनी होगी सर। चलिए सर, और आपकी गाड़ी के बारे में अब डिटेल हम जानकारी लेंगे। इतना बात तो हो गया सर का और सब डिटेल हो चुका है। और सर ये बताइए आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है और संपर्क करने के लिए कैसे एड्रेस आपका क्या है? मेरा कॉन्टेक्ट है धर्मशाला रोड अफरेंट चौक नियर साइन दवा मेडिकल स्टोर के गवर्नमेंट ऑफिस है। कॉन्टेक्ट नंबर है 87 26 65 75 32। ये आपका कॉन्टेक्ट नंबर है पर्सनल? जी सर, मेरा पर्सनल कंपनी का नंबर है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मिलेंगे आपसे। जिसको भी गाड़ी अगर बुक करानी हो, सर ने कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी सर का नंबर मैं डाल देता हूँ। और गाड़ी बुक करानी हो तो कॉन्टेक्ट करके गाड़ी आप बुक करा सकते हैं। चलिए गाड़ी का रिव्यू लेते हैं और जानते हैं 2021 मॉडल में अर्टिगा में क्या क्या फंक्शन दे रहा है और कितनी बेहतर अर्टिगा को बनाने की कोशिश कर रही है। चलिए गाइस, इंटीरियर की बात करते हैं, इसका इंटीरियर देखते हैं क्या फीचर के साथ इस समय गाड़ी आ रही है। चलिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कोई बैचिंग नहीं है और यहाँ पे आपको लॉकिंग मिल जाएगा। अगर आप रिमोट से लॉक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट आपको अगर चाबी से भी आप खोल सकते हैं। और ये इसकी की है, आप देख सकते हैं की। आइए फ्रेंड अंदर से बात करते हैं और इसके पहले डोर पे बात करते हैं। आपको यहाँ पे क्रोम एक बैचिंग मिल जाती है जैसा कि आप देख रहे हैं, और यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल मिल जाते हैं जो कि विंडो के जो भी कंट्रोल होते हैं। यहाँ पे चाइल्ड लॉक भी मिल जाते हैं, यहाँ पे सेंटर लॉक भी मिल जाते हैं, और यहाँ से आपको मिरर एडजस्टमेंट भी मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर। और चलिए फ्रेंड अंदर से स्टीयरिंग से इसकी बात करते हैं, और उससे पहले बात करते हैं इसकी सीट टेबल में। देखिए इसका सीट वही है पुराना वाला जो कि मैनुअल है, और कोई इसमें टेक्नोलॉजी नहीं है कि क्या बोलते हैं आजकल बहुत सारी गाड़ियों में बदल रहे हैं, बट इसमें वही है पुराना वाला। और आपको गाड़ी की स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा स्पेस है इस पर, और टेबल की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है। और मैं ये देखिए की लगा रहा हूँ उसमें। और आइए फ्रेंड इसके स्टीयरिंग से बात करते हैं, जो कि इसके स्टीयरिंग पे आपको कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे ब्लूटूथ कंट्रोल मिल जाएंगे, यहाँ पे फोन कंट्रोल मिल जाएंगे, और यहाँ पे सारे कंट्रोल आपको लगभग मिल जाएंगे। और इसकी मीटर की बात करें, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मीटर इसका कुछ ऐसा इसका मीटर है। ये यहाँ पे आपको स्पीड मीटर मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं RPM मीटर मिल जाएगा, और यहाँ पे पेट्रोल का जो है मीटर मिल जाएगा, देख सकते हैं आप। काफी अच्छा इसका क्या बोलते हैं मीटर बना हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी अच्छा इसका मीटर, काफी अच्छा लुक एक दे रहा है। और यहाँ पर डैशबोर्ड की बात करें तो काफी सिंपल सा एक ब्लैक मिस इसका क्रोमिंग किया गया है, आप देख सकते हैं। और इसकी काफी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो भी डैशबोर्ड है काफी अच्छा डैशबोर्ड है। और जैसे कि नहीं कभी गाड़ी कंपनी ने ये सोच के बनाता है कि गाड़ी कभी गंदी हो जाए तो ज्यादा पता ना लगे, इस तरह है इसका डैशबोर्ड। और ये ब्लैक फिनिश में एसी का भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रोमिंग की जो बैचिंग की गई आप देख सकते हैं। और जैसा कि इसके म्यूजिक सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एक 7 इंच का आपको म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर।
और इसमें एक कंट्रोल, ये जो एक कंट्रोल है, अगर गाड़ी आपकी कहीं भी खड़ी है तो अगर कोई गाड़ी को टच करता है तो ये ब्लिंक करने लगेगा, रेड कलर में ब्लिंक करने लगेगा। और यहाँ पे आपको ये पार्किंग लाइट भी मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इसको पार्किंग लाइट बोला जाता है। और यहाँ पे इसी के सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। और यहाँ पे इसकी स्पेस की अगर बात करें तो देखिए फ्रेंड, काफी मारुति में एक खासियत है कि काफी स्पेस होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी स्पेस है। आप ग्लास होल्डर भी आपको मिल जाते हैं, कुछ पर्स वगैरह भी रख सकते हैं जो कि आप देख सकते हैं। और फ्रेंड इसकी लाइटिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीजी वे लाइटिंग है इसका। चलिए फ्रेंड इसकी एसी की कंट्रोल की बात करें, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर इसकी काफी अच्छी एसी में कूलिंग का बहुत ही इसका बेस्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि मैंने एसी चला दिया और 2 नंबर पे इसका कंट्रोल मैंने फैन का कर दिया है। और यहाँ पे आपको एसी का कम करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और चलिए फ्रेंड इसके बैक सीट से बात करते हैं। और एक पहला आपको यहाँ पे भी एसी मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ से ये एसी कंट्रोल जो है, यहाँ से जब एसी जाता है तो यहाँ से निकलता है, ये यहाँ से खींच के निकलता है, चाहे वहाँ भी एसी है। चलिए चलते हैं और बात करते हैं इसके बैक सीट के बारे में, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे चार जन तो आराम से बैठ सकते हैं, कोई सीटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कम लोग को नहीं ले जा सकते हैं, ये 7 सीटर गाड़ी काफी मानी जाती है आपका। देखिए इजी वे फुटरेस्ट भी काफी इजी, स्पेस की बात करें तो काफी स्पेस भी है यहाँ पे, हैंड यहाँ पे है जो कि आप पकड़ के आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे एक एसी भी मिल जाता है जो कि कंट्रोल आप कर सकते हैं, जैसा कि हर गाड़ियों में नहीं होता है, बट यहाँ पे एसी का कंट्रोल बहुत ही अच्छा फीचर है कि आप यहाँ से कम भी बेसी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, और काफी अच्छा फीचर है। और यहाँ पे 3-4 जन आराम से बैठ सकते हैं, हैवी लोग 3-4 जन आराम से बैठ सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं काफी स्पेस के मामले में काफी अच्छा है। और चलिए इसके डिक्की के बारे में बात करते हैं, उसमें कितने लगे जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड इसके बैग से बात करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक टेल लाइट मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है और बैक लाइट मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये बैक लाइट है और ये इंडिकेटर लाइट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको यहाँ पे पार्किंग लाइट भी मिल जाता है, और फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये आपको एक बैचिंग मिल जाती है। और आइए यहाँ पे देखिए अर्टिगा की बैचिंग आपको मिल जाती है, और जैसे कि ये बैक लाइट काफी खूबसूरत, काफी एक एट्रेक्टिव बनाता है बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर लाइट मिल जाता है और ये बैक लाइट मिल जाता है फ्रेंड, और यहाँ पे आपको काफी अच्छा इसका एक अच्छा लुक देता है। और चलिए अभी फ्रेंड इसकी बात करते हैं, इसके साइड यहाँ पे आपके पीजी भी एक स्पेस की बात करें तो अगर आप गाड़ी ज्यादा लगेज लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप सीट को डाउन भी करके ज्यादा लगेज ले सकते हैं, ज्यादा लगेज डाल सकते हैं। और काफी दूर भी ट्रेवल करना रहे, 4-5 जन है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको डाउन करके गाड़ी को लगेज रख सकते हैं और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए फ्रेंड इसके फ्रंट लुक से बात करते हैं और देखते हैं फ्रंट लुक में क्या दे रहा है और क्या नहीं। आइए चलिए फ्रेंड इसके फ्रंट लुक से बात करते हैं। आपको देखिए यहाँ पे एक तो आपको मिल जाएगा मारुति सुजुकी का बैचिंग मिल जाएगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे क्रोमिंग का ज्यादा बहुत ही ज्यादा काम किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रोमिंग का बहुत ज्यादा काम किया है। और इसकी स्पेस की हाइट की बात करें, आप देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेस है, आप कहीं भी लॉन्ग ड्राइव में कहीं जा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके इंडिकेटर जो है ब्लिंक कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और आपको प्रोजेक्टर हैंड लैंप मिल जाता है यहाँ पे, आपको लाइट प्रोजेक्टर हैंड लैंप मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा है, और आपको काफी अच्छा रोशनी मिल सकती है, कहीं भी जाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं। और इसके बैक साइड की बात करने वाले जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मिरर पे जो कि ये ब्लिंक कर रहा है, ये इंडिकेटर लाइट आप देख सकते हैं, जैसा कि काफी अच्छा है। और ये कंट्रोल नहीं है, ये अंदर से ये नॉर्मल है, आप ऐसे बंद और इसको खोल, ठीक है। और आइए फ्रेंड साइड से आप देख सकते हैं, लुक की बात करें तो काफी अच्छी लुक है। और चलिए फ्रेंड इसी के साथ वीडियो को यही एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। वीडियो को यही एंड करते हैं, जो कि 2021 मॉडल अर्टिगा के मैं आपको फुल रिव्यू दिया हूँ। और बात करेंगे टूर एंड ट्रेवल्स संदीप मिश्रा के बारे में, जो कि इनकी गाड़ी ऑल इंडिया ओवर चलती है। अगर गाड़ी को आपको बुकिंग कराना है, मैं कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप गाड़ी बुक करा सकते हैं और कहीं भी आ सकते हैं। चैनल का नाम बताएंगे तो आपको गाड़ी डिस्काउंट कुछ मिलेगा, गाड़ी पे अच्छा पैकेज मिलेगा और पूरी भरपूर सुविधा मिलेगी। चलिए फ्रेंड इस वीडियो को एंड करते हैं, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।